हाय एवरीवन, नमस्ते। तो आज मैं कर रही हूँ ये छठ पूजा मेकअप लुक। छठ पूजा आने वाली है, 13 तारीख को है, तो मैंने सोचा इसका एक मेकअप लुक करना चाहिए। और लास्ट ईयर भी मैंने करा था, मेरे ख्याल से सबसे पहले मैंने ही करा था। मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा नहीं था कि किसी ने छठ पूजा के लिए मेकअप करा है, तो मैंने कुछ ऐसा ही ट्रेडिशनल करा है। और येलो और रेड बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग दिस येलो साड़ी विद दिस रेड बॉर्डर। और मेकअप भी कुछ ऐसा ही रखा है क्योंकि इन फेस्टिवल्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है इसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम प्राइमिंग माई फेस। आई एम यूजिंग दिस इनिसफ्री नो सीबम ब्लर प्राइमर और मैं अपने इसे पूरे फेस पे यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरा पूरा फेस ऑयली है। और इसे बस थोड़ा सा ही लेना होता है और आप देखेंगे कि कितना अच्छा ऑयल कंट्रोल हो जाता है इससे। जो भी मेरे फेस पर ये शाइन आ रही थी वो सारी चली गई है इस प्राइमर को यूज़ करके। Now I'm using this orange lipstick from Nika के True Matte Lip Color। और ये orange lipstick को मैं एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। आप orange या फिर red lipstick भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई dark color का foundation यूज़ कर सकते हैं, dark concealer यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे भी मेरी darkness है, pigmentation है, जैसे मेरी eyes के around, mouth के around, वहाँ पर मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और nose की इस area पे भी आपकी darkness रहती है, तो वहाँ पे भी मैंने यूज़ कर लिया है। और इसके बाद एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। तो जहाँ पे भी मैंने इस लिपस्टिक को अप्लाई करा था, तो एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करिए, पानी निचोड़ लीजिए और उसके बाद ही इसको यूज़ करिए, तभी आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो पाएगा। और जहाँ पे भी मैंने इसे लगाया था मैंने ब्लेंड कर लिया। इसके बाद मैं ये LA Girl Pro Coverage Illuminating Foundation यूज़ कर रही हूँ। द शेड इज़ लिटिल डार्क फॉर माई स्किन टोन, जस्ट थोड़ा सा डार्क है क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म लगता है ये मेरी स्किन टोन पर। तो अगर आपका मेरे जैसा स्किन टोन है, आप थोड़ा सा एक शेड लाइट के लिए जाइए। और इसे आप देखिए कवरेज कितनी अच्छी है इसकी, कवरेज कितना सुंदर लग रहा है ये मेरे फेस पर। पर ये थोड़ा सा डार्क लगने लगता है, अगर आप मेरे नेक से देखेंगे तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा येलो लग रहा है फाउंडेशन। तो अगर एक शेड जो इससे ठीक एक शेड लाइट है, आप वो वाले शेड के लिए जाइए। तो अब इसको सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पर ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्लेंड भी देखेंगे बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है और ड्राई टू नॉर्मल स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे इतना ज़्यादा तो पसंद नहीं है, पर विंटर्स में मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ, जैसे जो अभी सीज़न चल रहा है उसके लिए भी ठीक है, पर ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है ये फाउंडेशन। इसके बाद मैं ये LA Girl Pro का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ इन द शेड प्योर बेज। और जहाँ पे भी मैं हाईलाइट करती हूँ ब्राइटनिंग के लिए, तो वहाँ पर इसको यूज़ कर रही हूँ। आईलेट्स पर इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा आई शेडो अच्छे से काम करे, हमारे आई शेडो प्राइमर का भी काम करता है। तो अंडर आइज़ में, ब्रिज ऑफ माई नोज, थोड़ा सा फोर हेड पे, और इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन थोड़ा सा डार्क है। और जहाँ पर मुझे ब्रॉन्जिंग करनी है तो ठीक उसके नीचे, थोड़ा सा माउथ के अराउंड, ताकि थोड़ा सा फेस ब्राइटन अप लगे। एंड देन विद द सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम ब्लेंडिंग दिस कंसीलर। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कंसीलर थिक होता है, तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड करिए वरना क्रीसेस रह सकती है। पर ये वाला जो कंसीलर है, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए, तो कभी कभार इसमें ना क्रीज भी आ जाती है, तो थोड़ा ध्यान से इसको ब्लेंड करिएगा। और इस कंसीलर को सेट करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन का लेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ बेकिंग पाउडर। और जहाँ पे भी मैंने कंसीलर इस्तेमाल करा था वहाँ पर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जो भी मैंने पाउडर लगाया था फेस पर उसको मैं ब्लेंड कर लूँगी एक कबूकी ब्रश की हेल्प से। नाउ आई एम यूजिंग दिस रेवोल्यूशन प्रो पैलेट और इसका एग्जैक्ट नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो आई एम यूजिंग दिस ऑरेंज शेड एज माई ट्रांजिशन कलर और इसको मैं लोअर लैश लाइन पर भी लगा रही हूँ ताकि मेरा आई लुक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। एंड नेक्स्ट फ्रॉम द सेम पैलेट आई एल बी यूजिंग दिस ब्राउन रेड कलर। इसके अंडरटोन्स थोड़े से रेड है और इसको मैं अपने आउटर वी पे प्लेस करूँगी आईज़ की लिड पर, आउटर साइड में। और प्लेस करने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर की साइड भी लेते हुए आऊँगी ताकि पूरा मेकअप लुक, आई लुक जो है ब्लेंडेड लगे।
और सेम कलर को मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाया है, पूरे पे नहीं, सिर्फ हाफ पे बाहर की तरफ। और ऑरेंज कलर लेके फिर से ऊपर की साइड एक बार लगा लिया है ताकि थोड़ा सा ब्राइट लगे। मेरे साड़ी का भी कलर कुछ ऐसा ही था इस वजह से। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस शिमरी कलर, ये थोड़ा सा कोरल ऑरेंजिश ब्राउन कलर है। इसको मैं अपनी लिप्स पे प्लेस कर रही हूँ फिंगर्स की हेल्प से, और पूरे पे तो नहीं, बस बीच में इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आगे की साइड में गोल्डन कलर यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं ये गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, बहुत ही स्टिकी आई शेडो है ये, और इसको आपको फिंगर्स की हेल्प से ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ब्रश में ये आ ही नहीं पाएगा, तो फिंगर्स से बहुत अच्छे से लग जाता है ये। तो आगे की साइड मैंने इस गोल्डन कलर को लगा लिया है। आईलाइनर के लिए मैं ये सिवाना कलर्स का स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, और मैं एक विंग्ड आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। ज़्यादा तो मैंने विंग नहीं दिया है, थोड़ा सा जस्ट दिया है, और स्केच आईलाइनर से बहुत ही आसानी से लग जाता है। पर मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने कोई शिमरी शेड्स लगाए हैं तो आप लिक्विड आईलाइनर के लिए जाइए या फिर जेल के लिए, क्योंकि स्केच आईलाइनर फिर आपका जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी टिप ख़राब हो जाती है शिमरी शेड्स पर। और फिर मैंने ये नायका का काजल लिया है, और लोअर लैश लाइन पर हाफ बाहर की साइड मैंने इसको यूज़ करा है। वाटर लाइन पे मत यूज़ करिएगा वरना आंखें छोटी लगने लगती हैं। फॉर माय मस्कारा आई एम यूजिंग दिस मेबलिन लैश सेंसेशनल मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, एंड आई विल बी यूजिंग 4-5 या शायद ज़्यादा ही कोट्स मैंने यूज़ करे होंगे। तो मैंने अपने अपर लैशेस और लोअर लैशेस दोनों पे इसको लगा लिया है बहुत ही अच्छे से। आईब्रोज के लिए मैं ये वेट एंड वाइल्ड की ब्राउ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ इन द शेड ब्रूनेट ब्राउन, और मैं अपनी आईब्रोज को पहले लाइन कर रही हूँ और फिर जो गैप्स है उसको फिल कर लिया है मैंने। आगे की साइड बहुत ही हल्के हाथों से मैंने इस पेंसिल को यूज़ करा है जहाँ पे बाल है, और हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली यूज़ करा है क्योंकि आगे की साइड थोड़े ऐसे लंबे लंबे बाल होते हैं। और फिर इसके साइड जो ब्रश है इसके पीछे, उससे मैंने अपनी आईब्रोज को ब्रश कर लिया है, और ब्रश से ना आपका कलर भी थोड़ा सा स्प्रेड हो जाता है तो सही रहता है, कर लिया करो। और इसके बाद मैं ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन मेरे फेस पर काफ़ी ऑयली लग रहा था, शाइन भी करने लगा था फेस, तो मैं फिर से ये कॉम्पैक्ट से एक बार पूरा अपने फेस को सेट कर रही हूँ, और आई शेडो भी थोड़ा सा लग गया था नीचे इसलिए। और इसके बाद सेम आई शेडो पैलेट में से मैंने ये ब्राउन कलर यूज़ करा है, और अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए, ब्रॉन्ज करने के लिए मैं इसी शेड को यूज़ कर रही हूँ। हॉलोज ऑफ माई चीक्स, टेम्पल्स ऑफ माई फोरहेड, और थोड़ा सा जॉ लाइन पे, और सेम यही चीज़ मैं अपनी दूसरी साइड पे भी करूँगी। और नोज़ को भी मैंने थोड़ा सा कॉन्टोर करा है, और मैंने अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही इसे यूज़ करा है। फिंगर्स से भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कॉन्टोरिंग। और इसके बाद सेम पैलेट में से मैं ये ऑरेंज कलर यूज़ कर रही हूँ, और अपने ब्लश के लिए इसी को मैंने यूज़ करा है। बिल्कुल प्लेस मत करिए, ऊपर की तरफ ले जाइए, थोड़ा सा फेस लिफ्टेड भी लगता है, और अगर आप चीक्स पे सीधा लगा लेंगे तो बहुत ही मोटे मोटे गाल लगने लगते हैं, तो ऊपर की तरफ लगाइए ब्लश को। नाउ आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड हाईलाइटर प्रेशियस पेटल्स, बहुत ही सुंदर हाईलाइटर है जो भी मेरे हाईएस्ट पॉइंट्स है, चीक बोन्स, ब्राउ बोन्स, क्यूपिड बोज, टिप ऑफ माई नोज, ब्रिज ऑफ माई नोज, थोड़ा सा फोरहेड पे और इनर कॉर्नर्स पे, जो मेरी आईज के इनर कॉर्नर्स है वहाँ पर मैंने इसे यूज़ करा है। Now I'm using this liquid lipstick from MUA. This is their velvet something liquid lipstick. और इसका exact नाम नीचे description box में होगा because I forgot the name. और ये मुझे थोड़ा सा bright लग रहा है, इसका pink और पता नहीं, मुझे थोड़ा light लग रहा था ये lipstick. So that's why I have used another lipstick on it. अब मैं ये NYX सॉफ्ट मैट लिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ इन द शेड मॉन्टी कार्लो, और अगर इस शेड को मैं एज इट इज़ यूज़ करती तो बहुत ही डीप ब्लड रेड कलर हो जाता जो मुझे नहीं चाहिए था। तो इन दोनों रेड लिपस्टिक को मिक्स करके मुझे मेरा परफेक्ट रेड शेड मिल गया है जो मेरे आउटफिट के साथ बहुत ही अच्छे से मैच कर रहा है।
और इसके बाद अब मैं ये ज्वेलरीज पहन रही हूँ। ये मैंने अपने लास्ट हॉल वीडियो में भी दिखाया था। दीज आर फ्रॉम अमेज़ॉन, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके बाद मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, ऑरेंज कलर की लिपस्टिक। आई एम नॉट यूजिंग अ सिंदूर, तो ऑरेंज इसलिए क्योंकि ज़्यादातर इसमें ऑरेंज कलर का ही सिंदूर लगाते हैं। एंड दिस इज़ द कम्प्लीट लुक। ये चूड़ियाँ मेरी मम्मी की है, साड़ी करोल बाग से ली थी। और अगर आपको ये लुक पसंद आया होगा सो डू हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कॉमेंट डाउन बिलो, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया। आप मेरे सोशल मीडिया पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, सबके डायरेक्ट लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड अ वेरी हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन।